हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद में वीडियो आ रही है। मुझे पता है कुछ कारण की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, वो कारण अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपको पता होगा, बहुत दिनों पहले मैंने एक डेर मांगा था, आप लोगों ने भर भर के डेर दिया था। और ऐसा नहीं हमने डेर नहीं किया, बहुत किया। लेकिन आज का नहीं, ये वीडियो तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन आज गड़े हुए मुद्दे क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि वो पुराने डेर आज हम फिर से करेंगे, जो बाकी रह चुके थे डेर, जिसमें से हमने बहुत डेर पहले कर चुके हैं। अब आज जो बाकी रह गए वो डेर जरूर करेंगे हम। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा YouTube चैनल बहुत दिनों बाद में आपके सामने आया हूँ, क्योंकि इस समय मैं बीच में बीमार पड़ गया था। जब मैं बीमार पड़ गया तो मैं खुद की वीडियो देख रहा था, तो जब मैं वीडियो चला रहा था तब मेरे सामने एक वीडियो आई मैंने खुद की। मैंने आपसे एक डेट मांगा था, बहुत जनों ने डेट दिया था मेरे को, और ऐसा नहीं हमने कम्प्लीट नहीं किया, बहुत सारे डेट कम्प्लीट किए थे, लेकिन डेट नहीं किया, बहुत डेट किया था आपने हमको। डेट दिया तो हम कम्प्लीट भी करें, लेकिन कुछ डेट रह गए और फिर हमारे दिमाग से निकल गए। लेकिन एक ऐसा डेट था, वो ऐसा यूट्यूबर का डेट था, क्योंकि वो आम आदमी है, और वो डेट था मिस्टर फेजू, जियो फेजू, जियो रे फेजू, ऐसे कुछ थे, नाम नहीं आ रहा, एक तो ऐसे ऐसे नाम होता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं उनको टुट्टू के पापा के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि टुट्टू के पापा रिंकिया के पापा से ज़्यादा फेमस आदमी है। वो डेट हम कल करेंगे, कल सुबह, और वो डेट था। अब ये डेट कल सुबह होगा, आज की रात कैसे निकलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन बस कल सुबह बल्ले बल्ले, और भाई कैसे कटेगी, कल सुबह हम बाढ़ करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह उठते हमको पहाड़ पर चढ़ना है, तो यही रात भारी, यही रात अंतिम थी, बस कल सुबह होने का इंतज़ार था हमको। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, गाड़ी पर चल रहा हूँ, और सुबह पहले मैं लिखन चुका हूँ अपने मिशन की तरह। बहुत जनों को तो मेरा मिशन का मतलब ही समझ नहीं पड़ा, तो दरअसल इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, आप बोलो तो मैं सुना दूँ। सुनाना, किसको कहना है इतनी बात। तो हुआ ऐसा है कि बहुत साल पहले, यानी 6-7 महीने पहले, मैंने सबसे डेर मांगा था। तब टुकटू के पापा ने मेरे को डेट दिया था, के पापा ने हमको ये डेट दिया कि जा पहाड़ पर चढ़ जा। तो हम लेकर गाड़ी उठाकर हम पहाड़ पर चढ़ गए, लेकिन टुकटुक के पापा ने यह बोला कि सनसेट होना चाहिए, यानी सूरज की जो किरणें होती है वो होनी चाहिए। सनसेट का मतलब आप समझ गए होंगे गाँव। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो बस सनसेट की तलाश में मैं लेकर गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो गया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जिस पहाड़ पर हमको चढ़ना था वो पहाड़ मिल गया हमारे को, तो बस इस पहाड़ पर चढ़ेंगे, सनसेट का मज़ा लेंगे। और इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहले हमको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी बेटा। ओहो, दौड़ लगाते हैं हम, देखते हैं पहुँचते हैं अभी पहुँचते हैं। ओहो, थक गए, थक गए बेटा। देख रहे हो आप, ये है सीढ़ियाँ वैसा, इस पर चढ़ना मेरे को। ओहो, 1, 2, 3, चढ़ भाई, चढ़ 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 चढ़। थक गया भाई साहब, ये तो थक गया है, थक गया, ये थक गया है, थक गया है, थक गया है। अभी तो और ऊपर चढ़ना भाई साहब, थक गया, ये तो यही। थोड़ी देर आराम करते हैं हम भाई साहब, कम से कम नहीं करता, 400 से 500 सीढ़ियाँ चढ़ गए अब, और यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर अभी आधा और बाकी है। सामने का नज़ारा देखो आप, तो है चढ़ना तो इस पार्ट में चाहिए था मेरे को, लेकिन ये जीवियो पार्ट दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, बस यही कारण है कि मैंने इतना छोटा पार्ट लिया, और नाल के सहायता में चढ़ रहा हूँ। वो चढ़ना तो मेरे को वो वाला पार्ट में चाहिए था, जहाँ पर कोई सीढ़ी वीटी नहीं होती है, तो अभी तो बहुत तो लंबा है, इस वाले पार्ट में मुझे चढ़ना चाहिए था। सही बताऊँ तो सही मायने पर मेरे को लगता है
तो इस पर ही सनसेट देखने का मज़ा आता है। नहीं चला, टाइम की कमी की वजह से और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सब पहले सनसेट ना लेकर जाए, इससे पहले हमको ऊपर पहुँचना पड़ेगा। वैसा हो गई वीडियो, हो गई बस, बहुत है बहुत है। चल जा ऊपर, चल जा भाई साहब, चल जा। बीच में हमको मिले ये छोटे मोटे घर, यहाँ पर लोग घर मनाते हैं, हम भी मनाएंगे। पहले एक बार सनसेट देख लें, वापस आने के बाद में घर मनाएंगे। और देख लो खड़ी नाले है भाई साहब, चलने में बहुत जोर आता है। चलिए तुम्हारा भाई सही टाइम पर पहुंच गया, अभी सनसेट नहीं हुआ, अब थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है और हम पार्टी की चौटाई पर खड़े हैं भाई साहब। बहुत जोरदार सनसेट होने वाला है, लाइव देखेंगे हम, लाइव बिल्कुल लाइव देखेंगे हम सनसेट को होते हुए, मज़ा आएगा। और आप देख सकते हैं सनसेट की किरणें जिसे हम बोलते हैं, वो आ चुकी है बाहर की तरफ। अब थोड़ी देर में सूरज आने वाला है, तो हम इंतज़ार करेंगे सूरज आने तक। सनसेट तो भले आप देख सकते हो, तो एक तरफ से देखा जाए तो हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ सूरज आएगा जब देखेंगे। अब तक इंतज़ार करते हैं भाई साहब जी, सूरज आने का थक गए भाई साहब, पहाड़ पर चढ़ा था। लेकिन बात एक नंबर है, मज़ा आ गया। बस ये देख लो आप ठेठ यहाँ से पेड़, आह क्या सुंदर पेड़ है, एक नंबर पेड़ है। वो ओली कहाँ गई मेरी, देखते हैं बाकी मज़ा आएगा इसके अंदर करने में। चलिए खड़े हो चुके हैं और वो चीज़ दिखाने वाले हम, जिसका सा इंतज़ार ऐसे सनसेट का था, लेकिन हम अब सूरज दिखाने वाले हैं। तो तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार सूरज दिखाने के लिए। मजाक से हट के दोस्तों, सही बताऊँ ना, यहाँ से वो फीलिंग आ रही है ना, ओहो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे तो एक ही गुजारिश है कि आप भी आइए किसी पहाड़ पर, चढ़िए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और जो ये फीलिंग है भाई साहब, एक नंबर फीलिंग है यहाँ पर आने की, मैं बता नहीं सकता। जोरदार थक गया, लेकिन अब थोड़ी थकान थोड़ी सी दूर हो गई। ये सब कुछ देखने के बाद में मज़ा ही अलग आ रहा है। यहाँ पर पेड़ पक्षी बहुत सब कुछ है यहाँ पर। और थैंक यू टुकटू के पापा ये मेरे को डेट देने के लिए, ये मेरे को चैलेंज देने के लिए, जो मैंने ये किया है सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है, बाकी नहीं हो सकता था। तो एक और बार थैंक यू, और 10 के की हार्दिक बधाई आपको। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपना शेयर का नाम रोशन कीजिए, अपने YouTube कमेटी का नाम ऊंचा कीजिए। और ये मिशन देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप थोड़ा सा नज़ारा है ले लेते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। नहीं तो आपसे यही गुजारिश है, आप भी आइए देखिए, दोस्तों के साथ आइए, फैमिली वालों के साथ आइए, एक दिन ये वाला आप भी देख लीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आपका डे दोस्तों के साथ आइए, मेजी मनाइए और मेजी से ज़्यादा है। अगर आप मेरी मेजी मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, आप अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ आइए एक बार और ये देख लीजिए। और हाँ, सुंदर सुंदर पानी का नज़ारा यहाँ पर, मोर है, पेड़ पौधे हैं, इतने सब कुछ है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए।